अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप जानते हैं हाफिज़ हिदर एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं किसी स्टोर पे काम करता हूँ, साथ साथ स्टडी भी है। जैसा कि आप पीछे बैग देख सकते हैं, साथ साथ स्टडी भी करता हूँ। आज थोड़ी ये मेडिसिन के बारे में आपको बताऊँगा कि आपको पूरा यकीन हो जाए बाकी किसी मेडिकल स्टोर पर काम करता हूँ। ये मेडिसिन रिलेटेड है जो आजकल मतलब कि वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है उसके डिसीजेज़ के लिए। जो भी मेडिसिन आपने अगर पूछनी हो या किसी का फार्मूला पूछना हो या किसी का मकसद पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में, कोई भी मेरे भाई या कोई मेरा बहन पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपसे मेडिसिन शेयर कर, सबसे पहले मेडिसिन है सेफिकेट 400। ये एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए, कोई भी इन्फेक्शन, एक होता है कोई भी चोट लग जाए, कोई वैसे ही कोई जल जाए, रेशा भर जाए, कोई भी एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए एक ये, अगर कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन हो उसके लिए भी, और भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। सबसे पहले सेफिकेट हो गया, उसके बाद आई डिक्लोरान टैबलेट। डिक्लोरान टैबलेट तो हम सबको ही पता होगा कि ये दर्द वगैरह के लिए, कोई भी दर्द हो, कमर दर्द हो, बैक पेन कोई भी हो, दर्द दर्द हो, कोई भी जिसम में किसी भी हिस्से में दर्द हो तो ये वाली टैबलेट यूज़ हो सकती है। इसका फार्मूला डिक्लोफेनिक सोडियम है। ये वैसे भी कोई भी मतलब के ब्लड प्रेशर जिसका हाई हो या लो होता हो, कोई मसला नहीं होता, वो आराम सुकून से ये टैबलेट खा सकता है। उसके बाद जैसे कि आम प्रॉब्लम है सर्दियों में, गर्मियों में आम प्रॉब्लम है हर एक लड़के को, हर एक औरत को, के मैदे की, मैदे की तो आपको पता है हर एक को एक ही प्रॉब्लम है, मैदे में जलन, गैस वगैरह, और भी मैदे की बहुत प्रॉब्लम होती हैं। जैसा कि उसके लिए ये कैप्सूल है राइजिक 20, इसका फार्मूला ओमेप्राजोल है, और भी बहुत से इसके अल्टरनेट फार्मूले होते हैं। सबका काम बिल्कुल सेम ही होता है, कोई मसला नहीं होता, सबका बिल्कुल एक ही काम है कि ये मैदे के लिए होता है। कोई भी इन्फेक्शन हो मैदे में, कोई भी अगर जलन वगैरह होता हो, सीने में कुछ भी होता हो, इस सब के लिए यूज़ हो सकता है ये वाला कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद आहार में आपको पता है एलर्जी, एलर्जी के लिए टैबलेट ज़ेरेटिक, GSK कंपनी की ये टैबलेट है, बहुत ही अच्छी टैबलेट है, डॉक्टर इसको बहुत ही ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने जो भी आपसे शेयर किया है सबको डॉक्टर बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। ये टैबलेट है, ये टैबलेट है एलर्जी के लिए, एलर्जी के लिए अगर एक एलर्जी होती है जो डस्ट एलर्जी होती है जिससे होता है ज़ुकाम वगैरह, चेस्ट खराब हो जाती है, गले में रेशा वगैरह हो जाता है, उसके लिए भी ये यूज़ हो सकती है। एक होती है गंदगी वजह से जो एलर्जी होती है उसके लिए भी ये यूज़ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आप